हमारे साथ जुड़े हैं फाइनेंस एक्सपर्ट मिस्टर संजय कथूरिया। संजय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर अब चूंकि 2 ही मिनट बचे हैं तो आप बताइए सर, क्या आपकी उम्मीदें हैं बजट को लेकर? सर थैंक यू सो मच। पहली चीज़ मुझे लगती है कि कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट्स हम जो मिडिल क्लास एम्प्लॉयड सैलरीड लोगों के लिए नहीं होने वाला, बिकॉज वोट तो अब चाहिए नहीं उनको। अब 5 साल की सरकार है तो 5 साल तो वो चला ही लेंगे, 3 से 4 बजट्स तक वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब बिना हमें सपोर्ट किए भी आगे बढ़ सकते हैं। राइट। सो आई थिंक वहाँ मेरे को कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट का स्कोप नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इंडिया में हेल्थ केयर का स्पेंड और हाउसिंग का जो स्पेंड है वो कम है। हाउसिंग पे फोकस ज़्यादा आ सकता है, बिकॉज हाउसिंग पे जैसे प्रधानमंत्री जी ने आते ही कहा था कि मैं फोकस करूंगा, 2 करोड़ घर और दूंगा, तो हाउसिंग पे बहुत मेजर फोकस आ सकता है, जिस वजह से जो स्टील कमोडिटी सीमेंट इन तरह के जो प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है हेल्थ केयर पे बहुत एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है, वहाँ फोकस होना चाहिए। फार्मर्स का हमेशा प्यार तो देखा ही है हमने सरकार का फार्मर्स की तरफ, तो वहाँ भी कुछ जो है सपोर्ट दिया जा सकता है फार्मर्स के लिए अलग से। तो ये मुझे ओवरऑल लग रहा है, बट जो एक मिडिल क्लास आदमी कुछ ज़्यादा उम्मीद लगा के ना बैठे, जैसे निर्मला सीतारमन जी हमेशा आके कहती है कि थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन टैक्सेस, मुझे लगता है इस बार भी हमें कुछ ऐसा सा ही सुनने मिल सकता है। एक डर जो सबको लगा हुआ है मार्केट्स को खासकर, वो 2 बड़े डर लगे, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि 10% से बढ़ाया जा सकता है, दूसरा ये कि FNO को स्पेकुलेटिव कैटेगरी में डाल के 30% का टैक्स किया जा सकता है। तो ये 2 खबरों पे जरा नजर बना के रखनी होगी, एंड वी विश एवरीबॉडी अ हैप्पी बजट। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये FNO को अगर स्पेकुलेटिव कैटेगरी में डाला जाएगा, वैसे ऑलरेडी स्पेकुलेटिव है, लेकिन उसको टैक्स की दृष्टि से अगर स्पेकुलेटिव रेंज पर लेकर जाया जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी। हालांकि जो अच्छे वॉल्यूम के साथ करते हैं वो ऑलरेडी बिजनेस इनकम की तरह उसको इनकम टैक्स ट्रीट करता है। रजत सर, आखिरी टेक मैं आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि अब स्पीड बिल्कुल शुरू होने वाली है, अगर FNO को स्पेकुलेटिव कैटेगरी में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला जाता है मार्केट में कितना तेज रिएक्शन होगा? तेज रिएक्शन मतलब जैसा मैंने कहा, अगर आप पिछले 13 बजट सेशन देखे हैं तो मार्केट में 2% ऊपर या नीचे की वॉलेटिलिटी रहती है और उतनी रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ FNO में सरकार क्या करे। मेरे हिसाब से अगर FNO को डिस्करेज किया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि काफी हद तक ये वैल्यूएशन इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उनका बढ़ने का रीजन ये भी एक है कि एक फ्रेंजी है रिटेल मार्केट, और सब FNO के पिछले 3-4 साल से किसी ने करेक्शन देखी नहीं है, तो ये अच्छा होगा मेरी तरफ से अगर लॉट साइज वगैरह बढ़ा दी जाए। बट मुझे नहीं लगता कि ये चीजें बजट में अनाउंस की जाएंगी, ये सभी की तरफ से कभी आएंगी तो आएंगी। आज FNO में और टैक्सेशन अगर सरकार करे तो पर और कितना टैक्स लगाया जाएगा, ऑलरेडी प्रॉफिट में या लॉस दोनों पे लगता है। I doubt कि वहां कुछ होगा। हाँ सभी बाद में जरूर कुछ लॉट साइजेस को छेड़छाड़ करेंगे।